हेलो लवर्स, कैसे हो? होप सो आप अच्छे होगे। आज के वीडियो है कि कैसे पहचाने लड़कियां कौन से ऐसे साइन देती हैं जिसे समझ के तुम जान सकते हो कि लड़की मुझसे फिजिकल होना चाहती है। देखो, फिजिकल रिलेशनशिप रिलेशनशिप का एक पार्ट है, लेकिन तुम अगर इसे नहीं समझ पाओ तो तुम चोमू खिलाओगे ना, या फिर इसे तो कुछ समझ ही नहीं। और लड़कियां उन लड़कों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती जो उनकी फिजिकल अट्रैक्शन को नहीं समझते, या फिर उसके ये 8 साइन जो वो अपने बंदे को देती है जिसे वो बिल्कुल पसंद करती है और जिसे फिजिकल होना चाहती है। अगर तुमने उसके साइलेंट लैंग्वेज को नहीं समझा तो फिर वो किसी और से पैचअप हो जाती है और तुम देखते रह जाते हो। तो साइन नंबर 1 है कि देखो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से तुम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। आई कांटेक्ट, किसी को अगर किसी से अट्रैक्शन है तो उसकी बॉडी वो पूरी तरीके से देखेगी, उसके आर्म्स को, फोर आर्म्स को, सब कुछ उसे देखेगी, उसका चलना, एवरीथिंग, क्योंकि वो उसे देख के अट्रैक्ट है। वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। कोई लड़की तुमसे लगातार कांटेक्ट करती है, आई कांटेक्ट करती है, या फिर लगातार अपनी लिमिट्स को तोड़ रही है। देखो, फ्रेंडशिप की एक अलग लिमिट होती है, हर लड़की की एक लिमिट होती है, उस लिमिटेशन से वो आगे नहीं जाती। तुमसे अगर वो नॉर्मल बिहेवियर कर रही है तो तुम्हें वो उतना टचीनेस नहीं दिखाएगी, तुम्हारे शोल्डर पे हाथ नहीं रखेगी, या फिर तुमसे वो सारी बातें नहीं करेगी जो नॉर्मली लड़कियां करती है, नहीं करती है। तुमसे तुम्हारे फिजिकल डिजायर्स पूछना कि तुम्हारा सेक्सुअल कोर क्या है, क्या चीजें पसंद है। ये चीजें अगर वो बार बार तुम्हें अपनी बातों में बता रही है, चैट्स कर रही है और रील भेज रही है, या फिर ऐसे इमोशन सेंसेशन क्रिएट कर रही है बेसिकली कि तुम सेंसेशन फील करो, तो समझ जाओ कि लड़की तुम्हें चाहती है, हिंट दे रही है। नेक्स्ट साइन है कि तुम्हें वो अटेंशन देगी और पजेसिवनेस दिखाएगी। किसी पे अपने अधिकार जताना, दैट ये मेरा है, ये प्यार में भी हो सकता है और प्यार के साथ वो तुम्हारा फिजिकल अट्रैक्शन भी है तुम्हारा उसके साथ, तो वो किसी में पजेसिवनेस तुम्हारे लिए दिखाएगी। ये उसका अट्रैक्शन बेस है और वो चाहती है कि तुम्हारे पे उसका अधिकार हो। तुम्हारी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना, तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते, किस लड़की से बात करते हो, तुम क्यों बात कर रहे थे उससे, क्या चाहते हो। और किसी भी लड़की को तुम्हारे पास आने से रोकना उसका पहला काम होगा। वो हमेशा तुम्हारे पे एक जैसे कि निगरानी रखती है, तुम्हारे पे उसकी आंखें हमेशा तुम्हारे पे होंगी कि आखिर ये बंदा किसी से कनेक्ट ना हो जाए, किसी लड़की पे इसका दिल ना आ जाए, क्योंकि वो तुमसे प्यार भी करती है, अट्रैक्शन भी है और फिजिकल साइन भी दे रही है कि वो तुमसे फिजिकल होना चाहती है, तुम्हारे पे उसका अधिकार है और वो किसी और का होते हुए तुम्हें नहीं देख सकती। नेक्स्ट, कि फ्लर्टी और नॉटी बातें। देखो, कौन शुरू करता है, बार बार तुम शुरू करते हो या वो ही उन सारी बातों पे तुम्हें लेके जाती है। देर रात तुमसे बातें करती है तो आखिर वो बातों पे क्या क्या बोलती है, देखो कि उसका इंटरेस्ट तुम्हारे पे कैसा है। इन चीजों से पता चलता है कि वो तुमसे प्यार चाहती है और फिजिकल टच भी चाहती है। अकेले में मिलने बुलाना, कपल टाइम चाहिए उसे। अगर वो ऐसी चीजें करती है, मूवी जाना, मूवी में भी वो रोमांटिक मूवी ये चूज करती है तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा चिपकती है, फ्रीली तुमसे बात करती है, यानी हग करना, गले लगना, एवरीथिंग। और अपने दोस्तों से भी तुम्हें इतना नहीं मिलाएगी, अगर अपनी फीमेल फ्रेंड से तुम्हारा जल्दी कांटेक्ट नहीं करवाएगी क्योंकि उसे डर है ना कहीं तुम निकल ना जाओ उसके हाथों से। सच सवर के तुम्हारे पास आना। देखो, लड़कों को अट्रैक्ट करने का तरीका लड़कियां जानती हैं और तुम्हें जिस टाइप की लड़की पसंद है, वेस्टर्न वेयर, इंडियन वेयर, किस तरीके की पसंद है, वो चीजों को, वो कलर्स को वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी और उन्हीं चीजों का ध्यान रख के वो तुम्हारे पास सच सवर कर आएगी। अब ये सारी चीजें तो आपने जान ली, लेकिन क्या आप जानते हो कि कौन सी लड़की इजीली सेट हो जाती है, किस लड़की पे अपना टारगेट करे और कैसी नेचर की लड़की को जल्दी इम्प्रेस किया जा सकता है? तो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई है ना, आप देखो, इन स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।